जो कि कांड बहुत खूबसूरत व्यू लगा उसी भी को हो रहा है सी भी। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो मैं इस वक्त घर पे पहुंच चुका हूं और टाइम अभी 2:50 हो चुके हैं। पहुंच तो मैं 12 बजे गया था और उसके बाद गांव में कुछ काम था वो करके फिर मैं अभी वापिस आया हूँ। तो चलते हैं बाहर को, दिखाते हैं आपको जो थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी पहाड़ों में। अरे क्यों रो रहा है तू? हाँ क्यों रो रहा है? चलो जूते लगाओ, चलो घूमने जाना, तो लगाओ जूते लगाओ, चलो बड़ा बदमाश हो गया, शरारती हो गया। मैं जा रहा हूँ, चलो फिर चलो चल चल जूते लगाओ। क्यों रो रहे हो? यहाँ बैठी है मम्मी और मम्मी की छोटा उस्ताद तैयार हो चुका है और सबसे पहले करते हैं बाइक को स्टार्ट। टायर में थोड़ी हवा कम है, बाइक में हवा भर चुकी है। अब चलते हैं हम डिपो, राशन लेके आते हैं पहले। राशन का डिपो तो बंद पड़ा हुआ है, तो चलिए चलते हैं अब सिवान से पहाड़ों में घुमा के लाते हैं। सामने देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा व्यू। वो ये रोड पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर बन चुका है। पहले तो इस रोड पे खड्डे ही होते थे, वो लुक भी नहीं थी। अब बाइक राइड करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। सामने बर्फ के पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं रंबकानी पुल को पार करते हुए, और यहाँ बहुत ही कर्व वाला मोड़ है, तो ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। कुछ लोग अभी पैदल चल रहे हैं और अभी रोड कच्चा ही पड़ा हुआ है, पता नहीं कब तक इसमें लुक पड़ेगी, पर जब इसमें लुक पड़ जाएगी तो इसमें राइड करने का काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक सामने वाले पहाड़ में भी काफ़ी सारी बर्फ दिखाई दे रही है। लगता है शिवांश को ठंडी लग रही है और इसको नींद भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब तो मुझे ठंड लगने लगी है और सामने की पहाड़ी को देख के तो ज़्यादा ही ठंड लगने लगी है। मुझे ऑफ रोडिंग करने में काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी मैं इससे भी खतरनाक राइड पे जाऊँगा। गाँव के जो लिंक रोड होते हैं ना, इसके जो मोड़ होते हैं बहुत ही कर्वी होते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट होता है मोड़ काटने में। ये जो सामने आपको बर्फ की पहाड़ी दिख रही है, इस तरफ पड़ता है भरमौर और इस वक्त पहाड़ के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। काफ़ी अच्छा लग रहा है बर्फ़ देख के, मन मेरा आज खुश हो गया क्योंकि मैंने काफ़ी सालों से बर्फ़ देखी नहीं है। इसी बर्फ़ देखने के लिए मैं बार बार घर पे आता रहता हूँ और ये बर्फ़ देख के आज सुकून हुआ। तो आप देख सकते हैं आगे रोड बहुत ही ख़राब है, पानी से बिल्कुल नाला बन गया है और बहुत ही प्यारा सा व्यू बादलों के कारण, बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा है ये। और बर्फ़ भी पड़ी हुई है ऊंची ऊंची पहाड़ियों में ऊपर, और ये मस्ती मारते हो यहाँ पे। तो मिलते हैं सीधा घर पे क्योंकि मैंने जैकेट लगाई नहीं और काफ़ी ठंडा है, क्योंकि वही सेम रास्ता है तो हम द्वारा दिखाएंगे नहीं। यहाँ चल रहा है हुड्डू का गेम, किन्ने दो दो बंदे खेलते हैं, एक भी दो भी एक देख सकते हैं आप, सब पैरों का ही खेल है ये। चलिए अब चलते हैं अंदर रूम पे। तो मैं ही पहुंच चुका रूम पे और हम खा रहे हैं मूंगफली। सभी लोग तुम भी आ जाओ, मूंगफली का आनंद लेते हैं सभी। क्या खाना बेटा तुम्हें, क्या खाना है? मूंगफली खानी है, खिलाओ इसको मूंगफली खिलाओ।
ये लो, ये लो खा लो, ये लो खाओ, तुम भी ले लो, ये लो गिल गिली गिल गिली कर। सिर्फ सोच उतार के बेड पे चढ़ना, ऐसे नहीं। तो अभी हम आ चुके हैं किचन में, और किचन में हमारे शाम की तैयारी हो रही है, क्योंकि आज है रोटी, तो कुछ स्पेशल ही बनेगा। तुम्हारे घर पे बन रहा है मटर एंड पनीर, जो हम आपको दिखाते हैं। ये रेसिपी देख सकते हैं आप, ये टमाटर और मटर और ये पनीर कट चुका है, और देख सकते हैं प्याज ही पक रहा है। खा लेंगे मटर पनीर, ग्रेवी ग्रेवी छोटा सा पनीर चेक कर लेते हैं, खा लेते हैं। ओ पनीर वो मत करो, ठीक है ओके, बनाओ तुम बनाओ, जल्दी खाना बनाओ, टन टन टन। ठीक है दोस्तों, हाँ हाँ हाँ, बहुत ही खुशबूदार पनीर बन रहा आज। ये बनाओ, मेरे से नहीं बनता, बनाओ, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, देखते हैं कितना टेस्टी बनता है। पीला खेल रही है और मम्मी आग जला रही है चूल्हे में। अच्छा। जली आग कहाँ, दिखाना, ओहो देख सकते हैं भाई, ओहो अंधेरा है, लाइट नहीं है, लाइट तो है नहीं, पर ये है हमारा चूल्हा, आप देख सकते हैं गर्म पानी हो रहा है मम्मी का। ओहो चलो बाहर भाई, इससे बाहर ही अच्छा है। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ क्या हुआ हाँ? क्या हुआ, ठंडी में चैन नहीं तेरे को हाँ? ए किच्छू करो, हाँ किच्छू करो। तो इस वक्त टाइम 6:01 हुआ है और अंधेरा होने ही वाला, बस थोड़ी ही देर में, उसी पल में अंधेरा हो जाएगा, और ठंड काफी है यहाँ पे अभी। Thank you.